एक्सप्रेस न्यूज निर्णय होगा। अगर पेंशन का 15 अगस्त को मोदी जी के पास समय है, 15 अगस्त को अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं, पेंशन पुरानी पेंशन बहाली कर देते हैं तो सही है, नहीं तो सितंबर में हम लोग रेल को चक्का जाम करेंगे और इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में हमारा यह आंदोलन चल रहा है। आज 9 अगस्त को हम धरना दे रहे हैं, उसके बाद 29, 30 और 31 अगस्त को 3 दिन का बहिष्कार करेंगे, फिर 8 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली करेंगे और उसके बाद 25, 26, 27 के बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर इस बीच में सरकार पेंशन बहाल कर देती है तब तो ठीक, सरकार का जिंदाबाद होगा, अन्यथा इस सरकार को कर्मचारी शिक्षक उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया हुआ है। कोई भी जो है इनका आश्वासन अब स्वीकार नहीं है। कर्मचारी अधिकारी सबने यह जो है निर्णय, शिक्षकों ने निर्णय ले लिया है कि बिना जो है अब पेंशन बहाल कराए हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय निर्णय होगा। अगर पेंशन का 15 अगस्त को मोदी जी के पास समय है, 15 अगस्त को अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं, पेंशन पुरानी पेंशन बहाली कर देते हैं तो सही है, नहीं तो सितंबर में हम लोग रेल को चक्का जाम करेंगे और इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के तत्व निर्णय होगा। अगर पेंशन का 15 अगस्त को मोदी जी के पास समय है, 15 अगस्त को अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं, पेंशन पुरानी पेंशन बहाली कर देते हैं तो सही है, नहीं तो सितंबर में हम लोग रेल को चक्का जाम करेंगे और इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में हमारा यह आंदोलन चल रहा है। आज 9 अगस्त को हम धरना दे रहे हैं, उसके बाद 29, 30 और 31 अगस्त को 3 दिन का बहिष्कार करेंगे, फिर 8 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली करेंगे और उसके बाद 25, 26, 27 के बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर इस बीच में सरकार पेंशन बहाल कर देती है तब तो ठीक, सरकार का जिंदाबाद होगा, अन्यथा इस सरकार को कर्मचारी शिक्षक उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया हुआ है। कोई भी जो है इनका आश्वासन अब स्वीकार नहीं है। कर्मचारी अधिकारी सबने यह जो है निर्णय, शिक्षकों ने निर्णय ले लिया है कि बिना जो है अब पेंशन बहाल कराए हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय